नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज से दो दिन बाद यानी कि आज है 30 तारीख यानी 30 दिसंबर और दो दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी को एडवांस में नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही नया वर्ष आने वाला होता है हम सभी लोग उत्सुक रहते हैं हमारे नए साल में हमारे साथ क्या होने वाला है, यानी हम जानना चाहते हैं कि हमारी राशि में इस साल क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। हम ये चाहते हैं कि हमको पहले से ही पता चल जाए कि हमारा जो आने वाला साल है हमारे लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरी 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आने वाला जो साल है यानी कि 2019 जो है वो आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार का होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या भगवान ना करे नुकसानदायक हो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है तुला राशि। हम जो आपको राशिफल बताने वाले हैं उसके 6 निम्न बिंदु होंगे, यानी कि हम जो राशिफल बताएंगे उसके कौन कौन से बिंदु यानी किस बिंदुओं पर हम आपकी राशि को परखेंगे ये पहले आपको बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि जो आने वाला साल है वो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से किस प्रकार का रहेगा। फिर हम बात करेंगे धन और संपत्ति की कि आप आने वाले साल में वेल्दी होंगे नहीं होंगे, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे आपकी शिक्षा और करियर के बारे में कि आने वाला साल अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने पढ़ाई कर ली है, आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका करियर कैसा होगा, शिक्षा आपकी कैसी होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके व्यवसाय और नौकरी के ऊपर, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आज आपका कोई व्यवसाय है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रेम की, क्या आपके घर में या आपके दोस्तों में या आपके किसी के साथ आपके पार्टनर के साथ आपका प्रेम भाव रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और मान लीजिए ये सभी चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हैं तो ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे कि आपके जो सारी स्थिति है वो आपके अनुकूल बन जाए, तो इसके लिए हम कुछ उपाय जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। वर्ष के आरंभ में बात उदर विकार और एलर्जी की समस्या हो सकती है। 7 मार्च से राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे जिससे आपको आलस्य का अनुभव होगा। 11 अगस्त से बृहस्पति के मार्गी होने से आपको हर प्रकार की राहत मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सलाह दी जाती है कि वर्ष के आरंभ में आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम धन संपत्ति की। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष नई सौगात लेकर आएगा। इस वर्ष आप किसी नई प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं। मंगल इस वर्ष आपको भूमि से संबंधित मामलों में धन लाभ करा सकते हैं। 7 मार्च के बाद राहु के कारण भाई बहनों से आपको धन हानि हो सकती है। मार्च के अंतिम सप्ताह में बृहस्पति देव की शुभता के कारण आप नया मकान या नई गाड़ी के बारे में योजना बना सकते हैं। 30 अप्रैल से शनि देव के कारण धन हानि के योग बन रहे हैं। पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं अब व्यवसाय और नौकरी की। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष नए अवसर लेकर आएगा। इस वर्ष शनि और गुरु का प्रभाव आपके व्यवसाय और नौकरी में देखने को मिलेगा। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के साथ ही नौकरी में प्रमोशन भी मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। अप्रैल से जून के बीच घर पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। दूरदर्शिता और कर्मठता के कारण आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है जिसको कि आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। बात करते हैं अब शिक्षा और करियर की। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष शिक्षा तथा करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रतियोगिता परीक्षा में चहुमुखी सफलता मिलने से आप हर्ष का अनुभव करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। 11 अगस्त से गुरु मार्गी होने से करियर के मामले में भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। 18 सितंबर से शनि के मार्गी होने के साथ ही
आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बात करते हैं हम प्रेम की। तुला राशि वालों को इस वर्ष प्रेम में सफलता मिल सकती है। इस वर्ष आप दूसरों को इम्प्रेस आसानी से कर लेंगे। किसी खास का विश्वास आप इस वर्ष अवश्य जीत लेंगे। मार्च के प्रथम सप्ताह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। 11 अगस्त को बृहस्पति के मार्गी होते ही आप बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रोमांस पर कम और फ्यूचर प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। तुला राशि के सभी लोगों को चाहिए कि वो भगवान शिव की आराधना करें, फलदार वृक्षों को लगाएं और अपने भाग्य में वृद्धि करने के लिए अपने दाहिने हाथ के लिटिल फिंगर में शुक्रवार को हीरा धारण करें या फिर आप लहसुनिया भी पहन सकते हैं। तो चलो, ये तो हो गई तुला राशि वालों के लिए राशिफल, यानी कि आने वाला जो वर्ष है वो तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार कराएगा। हमारे आने वाले वीडियो में आप बाकी बची 11 राशियों के बारे में जानेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।